जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते आज की कुछ खास बॉलीवुड खबरें। पति विक्की संगत जबरदस्त लुक में नजर आई अंकिता लोखंडे, लोगों ने कर दिया ट्रोल। टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे शुक्रवार रात एक फंक्शन में अपने हस्बैंड विक्की जैन के साथ स्पॉटिंग, इसके चलते उन्होंने ब्लैक कलर का जंपर ड्रेस पहना हुआ था। हालांकि कुछ लोगों को उनकी ड्रेस पसंद नहीं आई तथा उन्होंने अंकिता को जमकर ट्रोल किया। कपल के इस वीडियो को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने सोशल मीडिया पर कैप्शन में साझा किया। बेब अपने बेबी के साथ ब्लैक ड्रेस में अंकिता लोखंडे बिल्कुल गॉर्जियस लग रही है तथा उनके पति भी सुपर कूल लग रहे हैं। हालांकि कुछ सोशल मीडिया उपकर्ताओं ने अंकिता का जमकर मजाक उड़ाया तथा कहा कि ये तो लगता है कि डायपर पहन कर आ गई है। एक शख्स ने लिखा, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में से एक ने लिखा, क्या प्रॉब्लम है आज के डिजाइनरों के साथ या लड़कियों के साथ, भयानक ड्रेसिंग सेंस। दूसरे ने कहा, अच्छी नहीं लग रही इसकी ड्रेस। इसी तरह कई लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। अंकिता लोखंडे ने 2019 में मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के साथ बॉलीवुड में अपना आरंभ किया, जिसमें उन्होंने झलकरी बाई की भूमिका निभाई थी। हालांकि इस फिल्म के बाद उन्हें कोई दूसरी फिल्म नहीं मिली। अंकित ने इंटरव्यू में बताया कि इंडस्ट्री में उनका कोई गॉड फादर नहीं है, इसलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मिनी स्कर्ट और फरी जैकेट में तापसी पन्नू दिखी बॉबी डॉल, फॉन्ट की अपने टोन एप्स। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहती है। तापसी ने बॉलीवुड में 10 साल से ज्यादा समय तक काम किया है, कई सुपरहिट फिल्में भी की है। तापसी फिल्मों में अपने एक्टिंग के अलावा अपनी बोल्डनेस के लिए काफी मशहूर है। हालांकि एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है जिसमें तापसी एक मॉडर्न बॉबी डॉल लग रही है। पोस्ट को शेयर करते हुए तापसी पन्नू ने लिखा, बेंड इट लाइक। पोस्ट को शेयर करते हुए तापसी पन्नू ने लिखा है, बेंड इट लाइक। तापसी भले ही सोशल मीडिया पर ज्यादातर एक्टिव न रहती हो, लेकिन जब भी वह कोई तस्वीर साझा करती है तो यह तुरंत चर्चा का विषय बन जाती है। इस बार अभिनेत्री ने बॉबी से इंस्पायर लुक में अपने सेक्सी एप्स को फॉट किया है। जैसे ही तापसी ने यह पोस्ट किया, उनके चाहने वालों ने कमेंट की बरसात कर दी। बता दें कि तापसी हिंदी, तेलुगु, तमिल भाषा की फिल्मों में काम करती है। उन्होंने मॉडलिंग करियर के बाद साल 2010 की तेलुगु फिल्म जुम्मंडी नादम से अभिनय की शुरुआत की। साल 2011 में तमिल फिल्म आदुकलम में काम किया। तापसी ने बॉलीवुड में डेविड धवन की कॉमेडी चश्मे बद्दूर के साथ अपनी शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने कई हिट फिल्में भी की थी, जिसमें बेबी पिंक से उनको बॉलीवुड में पहचान मिली। बाद में तापसी ने द गाजी अटैक, मुल्कम, मनमर्जिया बदला, मिशन मंगल फिल्म में प्रमुखता हासिल की। वही तापसी को बायोपिक सांड की आंख में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया था। तापसी की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वह इन दिनों शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर चर्चा में। डंकी फिल्म को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। साजन जिगर आए का आधे से ज्यादा गाना सलमान खान के डुप्लीकेट ने किया शूट, फराह खान ने किया खुलासा। फिल्म कुछ कुछ होता है का लगभग हर गाना आइकॉनिक था। इस लिस्ट में ट्रैक साजन जिगर आए तो सभी को याद होगा। इस सॉन्ग को लेकर इसकी कोरियोग्राफर फराह खान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इंडियाज बेस्ट डांसर में फराह खान साजन जिगर आए कोरियोग्राफर फिल्म निर्माता फराह खान ने एक रियलिटी शो के दौरान खुलासा किया कि सलमान खान और काजोल पर फिल्माए गए इस गाने को सलमान खान से ज्यादा उनके डुप्लीकेट रीता जी ने परफॉर्म किया था। दरअसल हाल ही में फराह खान को डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में देखा गया। इस शो से ही उनका एक लेटेस्ट क्लिप काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह होस्ट जय भानुशाली के साथ गाने के किस्से को साझा कर रही है। साजन जिगर आए को लेकर किया खुलासा। चैनल सोनी टीवी द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक प्रोमो में फराह को रीता जी नाम के डुप्लीकेट से बात करते हुए दिखाई गया। इस दौरान फराह खान ने खुलासा किया कि साजन जिगर आए के ज्यादातर सीन सलमान के डुप्लीकेट रीता जी ने किए थे, जिन्होंने अमन की भूमिका निभाई थी क्योंकि वह कुछ ही घंटों के लिए आते थे। फराह खान
कहती है कि रितुजी बहुत प्यारा सा। साजन जिगर आए, फराह खान कहती है कि रितुजी बहुत प्यारा था यार। मैं बता दूं, साजन जिगर आए, मैं सलमान खान का आधा गाना सलमान डुप्लीकेट बन के रिलीज रितुजी ने किया रियली, क्योंकि सलमान आता ही था 2 या 3 घंटे के लिए, तो बाकी बैक शॉट, टॉप शॉट, वाइड शॉट सब रितुजी करता था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।